अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और अभी मैं सो के उठी हूँ और ना मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी थी और फिर मैंने देखा कि मैं अब मेरी बस स्टॉप पे अपने आती है 7:50 पे, ठीक है। और ना मैं सो के उठी हूँ पूरे सिर्फ 5 मिनट पहले और इस 5 मिनट में मैंने अभी सिर्फ यूनिफॉर्म पहने और ना अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझसे नहीं जाया जाना, मैं दूसरे स्टॉप पे जाऊँगी। और ना अभी फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है और यूनिफॉर्म वगैरह तो पहन लिया, बस बाल वगैरह मैंने बनानी है। और ना अभी मैं सो के उठी ना, इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसे हो रही है। एंड गेस व्हाट गाइस, आज बारिश हो रही है। मेन इस वजह से मैंने व्लॉग बनाने लगी हूँ कि सुबह सुबह इतने प्यारे मौसम हो के फिर मैंने कहा कि अच्छा सारे व्लॉग बनेंगे, इस वजह से व्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, ये भी जल्दी से रेडी हो जाते हैं ताकि मैं रेडी होकर थोड़ा सा अगर सोने का मौका मिलता है तो फिर मैं सो जाती हूँ। सो गैर अभी पहले तो मुझे इतनी जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ता है, मेरे पास व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं होता, लेकिन आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सारे टाइम है। लेकिन खैर पहले मैं आपको बाहर जा के ना मौसम दिखाती हूँ, इतनी प्यारी जो बारिश हो रही है ना वो दिखाती हूँ आपको। लुक एट दिस, इतनी हल्की हल्की प्यारी सी बारिश हो रही है, जो ज़्यादा तेज़ होती है ना वो वाली नहीं, और ये वाली बारिश मुझे इतनी अच्छी लगती है, मतलब ये वाली इंजॉय करने वाली बारिश होती है। सुबह सुबह वो भी हो रही है, उफ। सो गाइस, अभी मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और ना अभी मेरे छोटे जो दो बहन भाई हैं ना वो रेडी हो रहे हैं क्योंकि मम्मा ने बोला फिर इकट्ठे, इनका टाइम भी तभी आया और तुम्हारा भी, तो इकट्ठे छोड़ देंगे। और मैं तो जल्दी से बस रेडी हुई हूँ ताकि मैं इंजॉय कर सकूँ बाहर जाके मौसम। और मैं अब छुट्टियाँ बनाने लग गई हूँ, मैं काफ़ी देर से, यार मेरे बाल इतने ख़राब हो गए थे ना इस वजह से, अब मैंने सोचा कि मैं इनका ख्याल रखा करूँ। तो फिर अब दोबारा से मैं दरवाजे के पास आ गई हूँ, बस मैं जल्दी अब तुम कितने जा रही हो। और बारिश तो रुक ही गई है लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ और ना रूम में और ना मीरा भी तो रेडी हो रही है, हो गई है तकरीबन। और मीरा, अब तुम्हारा आज लास्ट डे है ना, फिर कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा लास्ट डे है तो तुम्हारे व्लॉग में नहीं आओगी? जल्दी कर लो, ऐसे ये लोग मुझे लेट करवाएंगे मुझे तो लगता है। जल्दी कर लो फिर जाना भी है। ये देखो आते ही पंगे लेना स्टार्ट कर दिए। तुम रेडी हो गए या नहीं? चलो जल्दी से, मुझे तो बैठे बैठे नींद आने लग गई है इतनी। कब से मैं बैठी हुई वेट कर रही हूँ, कब से मैं रेडी हो गई। सो गाइस, अभी हम लोग फाइनली जाने लगे हैं और ना फिर मैं आपसे उधर जाके मिल गई और मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने साथ अभी कॉलेज जाके मिलती है। बता दिया आज व्लॉग बनेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम ढूंढ के, वैसे ना हमारे कॉलेज में अब मोबाइल्स ले लेते हैं, बट फिर भी अगर मुझे मौका मिला ना फिर मैं बनाऊंगी क्योंकि इतना प्यारा मौसम है ना। और वैसे भी कॉलेज में मेरे बहुत कम ही लोग थे ना, इस वजह से मैं मिस करने लगी हूँ अपने कॉलेज को। फिर बाद में अभी वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है ना, फिर मैंने सोचा कि मैं कॉलेज में जितना हो सके व्लॉग बनाऊंगी ताकि बाद में वो खुद भी देख देख खुश हूँ। और अभी मैंने भी नेल पेंट्स साथ ले लिए, उधर जाके लगाएंगे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके लगाऊंगी। मेरे बैग में देखें आप, कुछ भी नहीं होता मेरे बैग में, कुछ भी नहीं सिवाय ऐसी चीज़ों के अलावा। और ना हाँ यार, हमारे सिर्फ एक मंथ रह गए और ना मुझे इतना वो लग रहा है, मतलब कॉलेज ख़त्म होने वाला है, मैं चाहती कि ख़त्म हो और ये 2 साल इतनी जल्दी गुजरे हैं मैं क्या बताऊँ आपका उनको। सो अभी चलते हैं हम लोग। गाइस, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ कॉलेज एंड लुक एट द वेदर, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे तो सुबह सुबह आते मूड अच्छा हो गया। अभी हम अपनी क्लास में जा रहे हैं। सो ना हम कॉलेज में आने के बाद ना सबसे पहला काम पता क्या होता है, वॉशरूम में आना, क्योंकि बस में बैठे सारे बाल उठ जाते मेरे, इस वजह से मैं चुटकियाँ बना के आने लग गई हूँ ताकि मेरे बाल खराब बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे। मैंने कहा क्या ही, मैंने पौनी बनाऊँ में तो मेरे सारे बाल उड़ जाते हैं और ना अभी हमारे सबसे पहले टेस्ट होगा, फिर लेक्चर्स वगैरह होंगे और तब तो मैं व्लॉग नहीं बना सकूँगी, इस वजह से अभी थोड़ा बहुत बनाने लगी हूँ, वरना फिर मेरा मोबाइल चला जाना है मेरे पास से, फिर व्लॉग नहीं बना सकूँगी। अलबत्त मैं देती रही हूँ, बट इससे मैं बोल नहीं सकती क्योंकि व्लॉग में हर चीज़ बता देती, क्योंकि मेरे कॉल से भी बहुत से लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं। लेकिन अभी हमारी चल रही है ब्रेक चलिए। ये मेरी बदतमीज दोस्त है और ना आज कॉलेज बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, शायद हमारे कॉलेज का ट्रिप क्या हुआ है ना, स्कूल वालों का है ना, इसी वजह से। और अभी हमारा एक लेक्चर फ्री था, उसके बाद हमारी ब्रेक भी है और हम फ्री लेक्चर में इधर बैठे हुए हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है वीडियो।
आपको दिखाती हूँ, पूरा सुनसान सुनसान आज कॉलेज ऐसे लग रहा है। उफ। सो गाइज, मैं ना अभी घर पहुंची हूँ और ना मैं अभी स्टडी रूम में आके कब से लेटी हुई हूँ। एक्चुअली वो ना पिक्चर वगैरह मैंने बनाई थी और मैं अपनी साइड देख रही थी, और जो मैं नेल पेंट लेके गई थी वो मुझे रास्ते में बस में याद आया कि वो मैं तो नेल पेंट भी लेके गई थी, वो मैंने लगाई थी। और आज का दिन वैसे इतना अच्छा गुजरे। और ना जैसे जैसे कॉलेज खत्म होने का टाइम आ रहा है ना, तो कॉलेज ज़्यादा अच्छा लगने लगे, पता नहीं कैसे हो रहा है, बट कॉलेज भी मज़ा आने लग गया ज़्यादा। मतलब शायद हम ये सोच रहे कि शायद कॉलेज ख़त्म होने वाला है इस वजह से, अभी पता नहीं क्यों, लेकिन खैर आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। वरना बस मेरे तो दिल करे मैं इधर ही गिरी, जैसे गिरी हुई है ना वैसे ही सो जाऊँ, यूनिफॉर्म बिना चेंज करूँ। खैर, और ना अभी बस मैं यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करती हूँ। और ना मौसम आज, शायद मौसम भी बहुत अच्छा था, मतलब मौसम बहुत अच्छा था और कॉलेज के लास्ट डे चल रही है, इस वजह से ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बस मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन गुजरे। सो गाइस, अभी ना मैं, अभी आप लोग भी सोचोगे कभी ये एक एक सीन होता है और फिर मतलब मैं घर में होती हूँ एंड धड़ाम से मैं इधर आ गई हूँ। वो एक्चुअली मैंने आते हुए नहीं व्लॉग बनाया क्योंकि मैं इतनी सुस्ती, मुझे इतनी सुस्ती हो रही थी ना कि बस मैं क्या बताती। फिर ना मम्मा ने बोला था कि, और ना मुझे पता ही नहीं था कि कल सैटरडे और संडे मींस वीकेंड आ गया है, और मैं इतनी टेंशन में बैठी थी, अल्लाह भी पढ़ना है, मैंने ये करना है वो करना है, मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर मम्मा ने बताया कि संडे है और चलो आ जाओ तुम। और फिर इतना अच्छा मौसम था तो मैं मम्मा को मना नहीं कर सकी। और मैं अभी घूम रही हूँ और ना हल्की, बिल्कुल इतनी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, आप लोगों को नहीं दिखेगी। और ये देखिए मैंने फूल तोड़े, इतना प्यार लग रहा था मुझे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पता है जिधर से मैंने तोड़े ना वो, ये फूल ऐसे मीन्स तोड़ना जिधर से वो अलग सी जगह बनी हुई है, मीन्स मैं आपको दिखाती हूँ, आपको वरना समझ नहीं आएगी। देखें ये फूल है ना, तो इसको ये देखें, मीन्स पकड़ेंगे हम इधर से और टूटेगा इधर से, और इसकी ये पकड़ने वाली नहीं टूटेगी। वरना आमतौर पर ऐसे होता है ना कि जो हम फूल तोड़ते हैं तो फिर वो उसके साथ वो नीचे से भी टूट जाते हैं, साथ वो नीचे से भी टूट जाते हैं, बट ऐसे नहीं है। और इतना अच्छा लग रहा है, और अभी बस आप देखें इतना प्यारा मौसम है। मुझे ये वाला ना, मुझे सर्दियाँ पसंद है ना मुझे गर्मियाँ पसंद है, मुझे ये वाला मौसम पसंद है। ये देखे बारिश भी हो रही है, इधर से पता चल सकता है बारिश हो रही है क्योंकि वैसे तो नज़र नहीं आती बारिश। अभी मैंने ये वाला फूल इधर लगा लिया, वैसे ना मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं है, बट ये मैंने पता नहीं क्यों तोड़ लिया, मुझे अच्छा इतना लगा। आजकल मुझे ना पता कैसे फ्लावर्स पसंद आ रहे हैं, नहीं वैसे पसंद है मुझे सारे फ्लावर्स ही पसंद है। अभी मैं बता लग जाऊंगी ना, फिर मैं कहूँगी नहीं यार मुझे इससे ज़्यादा वाले पसंद, इससे ज़्यादा वाले पसंद, इससे ज़्यादा वाले पसंद है, इस वजह से मुझे डिसाइड नहीं होगा। खैर अभी मैं बताने लगी थी कि मम्मा हमारी जो आई हैं वो वॉक करने के लिए आई थी, ठीक है, हम लोग वैसे ही, ओ मेरा फूल गिरे, मैं मम्मा के साथ वैसे ही आ गई, आप ही तो आती ही आती हैं वॉक करने के लिए। और अभी ये देखो मम्मा उधर जाके बैठी हुई है, मतलब कि क्या, मतलब क्या, क्यों मम्मा मम्मा वॉक करने के लिए आई है और उधर बैठी हुई हूँ। इधर तो फूल ही इतने क्यूट क्यूट लगते हैं ऐसे ही, ये वाला कलर कितना अच्छा लग रहा है। खैर यार मैं तो ऐसे ही बैठी रहूँ इधर, मुझे ना मैं चलती हुई आ रही थी और कसम से मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, मैं तो मम्मा को कह रही थी मुझे तो चलते हुए भी नींद आ रही है। और गाइस अभी ये देखें मेरी पागल बहन एक पीछे है जो अपनी नाकाम कोशिश कर रही है वजन कम करने की, और जब मैं तो मम्मा के साथ आके बैठ गई है, हम दोनों को वजन मेंटेन है ना मम्मा, हमारा हमें कोई जरूरत नहीं है। सुनो तुम एक्सरसाइज कर रही थी ना, मैंने कहा वो देखो मेरी पागल बहन तो एक्सरसाइज कर रही है, उसको वजन कम करने है, और हमारा मेरा और मम्मा का वजन तो बिल्कुल परफेक्ट है, हमें कोई जरूरत नहीं है, मम्मा भी एग्री करती है। पागल इतने ज्यादा थक गई हूँ, और अभी इस व्लॉग को इधर एडिट करते हैं और फिर उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं आराम करने लगी हूँ, फिर मैं अभी मेरे पास कुछ नहीं है इसके अलावा करने को, फिर इस व्लॉग को इधर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।